रेस्टोरेंट का मसला है। तुम देखो होगे कि एक हॉपर्स करके है जी रेस्टोरेंट, दो FIR हो गए जी, दो FIR होए, उन्होंने टारगेट किया गया जानबूझ के। जेकर मान लो कोई लाइसेंस दे विच कोई गड़बड़ी है जां कोई एक्सपायरी है जां कुछ है, तो यह सारा मसला जो है एक्साइज महकमे का होंदा है जी, एक्साइज महकमे का होंदा है। एक्साइज कार्रवाई करे, जेकर वो परमिट लेके लिकर लेके आ रहे ने, क्योंकि बगैर परमिट किसी भी ठेके तो उन्होंने मिल नहीं सकता है। निजी तौर पर तुहानू सारयां नू पता है कि मैं बार ये सारा चीज़ दे मतलब हक दे विच नहीं हुंदा हाँ, निजी तौर पर इन्हां नू भी पता है सारयां नू कि मैं बार कल्चर दे हक दे विच नहीं हुंदा हाँ निजी तौर पर, लेकिन जेकर सरकारी तौर पर अलाउ किया गया है तो हर व्यक्ति नू बिजनेस करन दा अधिकार है। ये लोकल पुलिस नहीं डिसाइड करेगी कि किसका बिजनेस चलाना है किसका बिजनेस खराब करना है। पिक एंड चूज का जिहड़ा सिस्टम पुलिस ने अडोप्ट किया है, यह शुरू तो ही खास करके रंजीत एवन्यू जो थाना है ये अपने हिसाब के नाल डिक्टेटरशिप करते हैं। पहला भी एक बार इस तरह की घटना आई सी तो मैं सिंपली उदों के DGP साहब की नोटिस के विच मैं गल लिआंदी सी कि तुसीं ये ठीक कर लो, बाद दे विच उन्होंने SHO नूं बदल दिता सी। हालांकि मैं बदली वास्ते जां वो कुछ नहीं किया सी, मैं तो यही किया सी कि तुसीं सिस्टम नूं ठीक कर लो, तो उन्होंने पड़ताल करवाई सी। पड़ताल करवाउण तो बाद SHO की गलती साबित हुई सी, उस SHO की बदली हो गई सी। मैं उदों DGP साहब की नोटिस के विच गल लिआंदी सी। लेकिन जो रंजीत एवन्यू थाना है ये आम ही देखो बेसिकली कारोबार इन्हों का चलता है जी, कारोबार इन्हों का चलता है, आज नहीं सालों तो ही चलता आ रहा है जी। इन्होंने सिस्टम बनाया होया है, इन्होंने अपने एजेंट रखे हुए ने, वसूली करते हैं, गलत काम करवाते हैं, जो इन्हों के कहने के विच नहीं आता है जां दो नंबर का नहीं मतलब कारोबार के विच हिस्सा पाता है उत्थे रेड कर देंगे ने। तो हॉपर्स के उत्ते जिहड़ा रेड होया सी उन्हूं जानबूझ के किसी के कहने पर टारगेट किया गया सी। बिजनेस राइवलरी होंदी है ABCDE कई लोग होंगे ने, लेकिन जेकर पुलिस जानबूझ के टारगेट करे सेम मतलब मान लो जो कमी सी सेम कमी हॉपर्स दे विच सी, मैं उन्हां दी कोई तरफदारी नहीं करता हाँ, मैं दोबारा बोलता हाँ कि सारे होटल रेस्टोरेंट वाले नूं पता है कि मैं बार कल्चर दे हक दे विच नहीं हूँ। लेकिन मान लो जेकर सारे बिजनेस कर रहे ने कोई कमी बेसी है तो एक्साइज महकमा है जी उन्हें देखने वास्ते, और पुलिस नूं यह पावर नहीं है कि जाके लाइसेंस चेक करे। चेक करे मान लो उन्होंने कोल कई सालों तो चलता आ रहा है, मैं 2020-21 का भी चेक किया, 21-22 का भी चेक किया, 22-23 का भी चेक किया, 23-24 का भी चेक किया, लाइसेंस है। जो मोबाइल दे विच मान लो दिखाने का प्रयास कर रहे हैं वो मोबाइल ले रहे हैं, उस दिन जिहड़ी रिकवरी हुई है वो रिकवरी भी सही तरीके दे नाल नहीं की गई, जो ज़्यादा कॉस्टली मटेरियल सीगा वो सारा पुलिस ने अपने कोल रख लिया जी। जो सीजर मेमो बनाया गया सीजर मेमो दे विच वो सारा चीज़ नहीं सीगा। मौके पर देखो जेकर SHO की इंट्री होंदी है और मुकदमा एक ASI वालों दर्ज किया जाता है और बाद दे विच कहा जा रहा है FIR दे विच कि SHO साहब नूं इतला दी गई जी, सारा कुछ सारा डॉक्यूमेंट्स मेरे कोल है, FIR की कापी सब कुछ, रेड ही SHO वालों किया जा रहा है और FIR दे विच लिखा जा रहा है कि SHO नूं इतला दी गई। ठीक है जी, तो यह सारा जिहड़ा सिस्टम है जानबूझ के किसी नूं टारगेट करना यह गलत गल है। ये देखो ये होया 29-30 वाली दरमियानी रात में, ठीक है एक मुकदमा दर्ज हो गया जी। उस तो बाद देखो ये लोग परेशान होए, मैं भी पुलिस वाले दे नाल गल की कि देखो किसी नूं नजायज़ टारगेट नहीं करना चाहिए है, जेकर सारे बिजनेस कर रहे हैं तो बिजनेस तुसी करन दो, पुलिस का काम है प्रोटेक्शन देना। रंजीत एवन्यू एरिए दे विच तुसी देखो चोरी स्नैचिंग और कार लिफ्टिंग इस तरह दियां घटनावां तुसी देखो बहुत ज़्यादा बढ़ गई ने, और आम लोग पुलिस दे कोल जाना भी पसंद नहीं करते। मैं चिट्ठी भी लिखी हुई है इस संबंध दे विच कि पुलिस का काम है जनता की राखी करना, लॉ एंड ऑर्डर नूं मेनटेन करना, किसी का बिजनेस प्रमोट करना किसी का बिजनेस डिमोट करना यह पुलिस का काम नहीं है, पुलिस नूं इस चीज़ के विच नहीं पैना चाहिए सी। इन्होंने फिर 2 तरीक नूं की किया
एक मुकदमा गलत दर्ज हो गया, इन्हां नूं पता है कि गलत दर्ज हो गया। एक्साइज महकमे ने भी यह कह दिता कि मुकदमा गलत दर्ज होया है। फिर इन्होंने दो तरीक नूं की कीता कि एक व्यक्ति नूं भेज के उन्हां दे नाल, हो सकता है कि नाबालिग होणगे, उन्होंने लिकर की डिमांड की, लिकर उन्होंने दे दिता गया। उस व्यक्ति ने, यह सारा सबूत है जी, मैं देख के तां गल कर रहा जी, यह सारा सबूत है, सीसीटीवी फुटेज है कि वो व्यक्ति ले रहा है, लेके उन्हां व्यक्तियों नूं सर्व कर रहा है जिन्हों नाबालिग किया जा रहा है, वो आप सर्व कर रहा है। और फिर उन्हें फोन ते किसी दे नाल गल की और 10 सेकेंड के अंदर अंदर पुलिस आकर रेड कर रही है। इट मीनस कि जो 2 तारीख वाला FIR सेम रेस्टोरेंट से जड़ा होया है वो बहुत ही गलत तरीके दे नाल और प्लांड तरीके दे नाल कीता गया जी। मैं इस संबंध में CP साहब दे नाल गल की सारी डिटेल, तो उन्होंने इसकी इनकुआरी भी लगाई है। मैं उन्होंने यही बेनती की कि तुसी इस मसले नू अपने लेवल पर डील करो, क्योंकि थले जेकर तुसी मार्क करोगे तो सिस्टम पुराना वाला ही है और ये आपस दे विच ही गड़बड़ी कर लेंगे। तो मैं तुहानू इस करके दसना चाहुंदा हाँ कि इन्हां दे नाल मेरी डिटेल मीटिंग हुई है, होटल एसोसीएशन, रेस्टोरेंट एसोसीएशन ते रिजॉर्ट एसोसीएशन। तुहानू पता है कि अमृतसर नॉर्थ हल्के दे विच ये सारा कुछ इधर ही है, तो जेकर मान लो इन्हां नू कोई परेशानी होगी तो ये कित्थे जाणगे, मेरे कोल आउणगे। मैं पुलिस नू जां सरकार नू मैं कहांगा, साडी सरकार दी सिद्धी पॉलिसी है कि बिजनेस नू प्रमोट किया जाए, और मैं बार बार इन्हां नू यही कहंदा कि तुसी रूल रेगुलेशन फॉलो करो और साडे वालों पूरा प्रोटेक्शन है, ठीक है। लेकिन इसके बावजूद भी जेकर पुलिस अपना पुराना तौर तरीका, जिस दे खिलाफ असी लड़ाई लड़के आम आदमी पार्टी की सरकार लेके आए हाँ, आम पब्लिक लेके आई है, वही सिस्टम चलता रहूगा तो फिर की होगा, बिजनेसमैन अमृतसर छड़ के चले जाएंगे जी। इस करके मेरा फर्ज बनता है कि इन्हों असी ये आश्वासन देिए, और डिटेल मीटिंग करके इन्हों मैं आश्वासन दिता। ये चीज़ मैं सरकार की नोटिस दे विच लिया, पुलिस कमिश्नर साहब नूं मैं बेनती की कि तुसी ये सारा मसला अपने लेवल दे उत्ते सॉल्व करो। उन्होंने इनक्वायरी मार्क कर दी है और रंजीत एवेन्यू एरिए तो बाहर, इवन जो सिविल लाइन सब डिविजन है नॉर्थ का, उस तो बाहर उन्होंने तफ्तीश दे दी है। किसी को डरन की कोई लोड़ नहीं है, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगा। लेकिन मैं बार बार यही कह रहा कि पुलिस को नहीं चाहिए है कि वो किसी खास व्यक्ति को, खास रेस्टोरेंट को टारगेट करेगी। मैं तुहानू एग्जाम्पल भी दिता कि पहला भी इन्होंने इस तरह किया, और मैं DGP साहब की नोटिस दे विच गल लियांदी सी, उन्होंने इनक्वायरी करा के फिर इस एच ओ दी बदली कराई सी। तो जो सिस्टम है, सिस्टम वधिया तरीके दे नाल चलना चाहिए है, व्यापारी के मन ते बोझ नहीं होना चाहिए है। और मैं क्लीयर इन्हां नूं कीता कि तुसी रूल फॉलो करो, अपना लाइसेंस लेके अपना काम करो, और मैं बतौर MLA तुहानू फैसिलिटेट करांगा जेकर तुहानू लाइसेंस दे विच जां किसी चीज़ दे विच कोई परेशानी आ रही है। और किसी किस्म की इन्हों परेशानी असं नहीं आन देवे, लोग अपना बिजनेस खुल के करन जी। तुसी किसे रेस्टोरेंट वाले नू, एक दे नाल मेरी गल हुई, वो ये कह रहे हैं कि देखो जिस तरीके दे नाल सेकेंड FIR 2 तारीख नू प्लांट होया, किसे ते अफीम ही पुलिस रख दे। वो ये उन्हों का कहना है कि पुलिस वाले अफीम ही रख देन, हीरोइन रख के साढ़े ते परचा दे देन, तो असी कित्थे जावांगे जी। तो इस तरह का डर किसी ते नहीं होना चाहिए है जी। तो डर का माहौल, सहम का माहौल जो है उसनों दूर करन वास्ते आज मैं इन्हां दे नाल मीटिंग की। मीटिंग करके मेरा फर्ज बनता सी कि तुहाडे सामने भी यह गल रख दी जाए, और असी जो पुलिस कमिश्नर साहब ने उन्होंने सारा कुछ दस के, सानू पूरा विश्वास है कि ये वो जस्टिस दिलवाउणगे। असी सरकार दी नोटिस दे विच भी लिया चुके हाँ, मैं हमेशा सिस्टमैटिक तरीके दे नाल काम करता हूँ। जदों तुहाडा चीफ मिनिस्टर आके इत्थे मीटिंग कर रहा है, सारे नुमाइंदियां नूं बुला के उन्हां नूं कह रहा है कि तुसीं अपना बिजनेस करो, तो जेकर लोकल पुलिस जां लोकल कोई सिस्टम उहदे विच अड़ंगा डाल रहा है तो यह गलत गल है। तो इस चीज़ नूं सरकारी तौर पर भी सीरीयसली डील किया जाऊगा, इनकुआरी हो लैन दो, और हरेक सबूत साढ़े कोल है, और कोर्ट कचहरी भी है। पहला भी इन्होंने ऐसे तरीके दे नाल कीता सी, जो पैसा नहीं दे रहा है, इन्हों का काम है पैसा वसूलना जी, रंजीत एवेन्यू थाने का काम ही है पैसा वसूलना। तुसी चेक करो, जदों मैं DGP साहब नूं
कंप्लेंट दी सी, इनक्वायरी करा के उन्होंने बदली करवाई सी, और इनक्वायरी भी उन्होंने मतलब बहुत हाई लेवल पर करवाई सी। ये गल साबित हो गई सी। रंजीत एवेन्यू पुलिस स्टेशन आज की तारीख दे विच देखो चोरी डकैती स्नैचिंग ये सारा कुछ तुसी देखो आम ही डेली का काम है उत्थे, और पब्लिक का विश्वास उठ गया है पुलिस तो। लेकिन पुलिस लगी हुई है होटल वालों रेस्टोरेंट वालों तंग परेशान करने के सिस्टम है जी। इस बारे में इन दे नाल मीटिंग करके तुहानू भी जानू करवा रहे हैं कि इन वास्ते मैं बतौर MLA ते सरकार भी इन दे नाल 24 आवर खड़ी है, और इन्हों कोई किसी किस्म की परेशानी असं नहीं आन देवे, और जेकर कोई परेशान करने का प्रयास करेगा उसके खिलाफ कार्रवाई जरूर होगी। किसी भी घटना होती है सब तो पहले पुलिस को जाना, पुलिस से तो आप कहता भी सुनाई नहीं होती, आम बंदा जाएगा तो जाएगा कितने? मैं तो यही थोनू कह रहा हाँ जी, यही कह रहे हैं। आज भी देखो आज भी कोई मेरे को आए थे जी, ठीक है कि नहीं, तो कि फोन करो जी थाने के बीच, और कोई वारदात हुई सी, मैं नंबर देकर उन्होंने कहा कि आप तुम 9 बारी उन्होंने कॉल की SHO नूं। मैं ना पुलिस स्टेशन के बारे दसांगा ना किसी अफसर के बारे, आज की गल तुहानू करें 9 कॉल, मैं भी 6 बारी कॉल की अगले ने फोन नहीं उठाया जी। हो सकता है कि मेरा नंबर सेफ ना हो, वो देखो वो सब नेट शैल पुलिस ही क्राइम करा रही है, पुलिस ही नशा बता रही है, पुलिस ही हुक्का बार ते दड़े सट्टे दा कारोबार करा रही है। देखो जो हुक्का बार जेकर चल रहा है ना, तो पुलिस दी मिली भुगत के बगैर कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम नहीं चल सकता है जी। कोई भी ऑर्गेनाइज्ड क्राइम पुलिस दी मिली भुगत के बगैर नहीं चल सकता है। पर सर तुहाडे 9 कॉल्स करके फिर फोन चुक्या गया जी? नहीं, जो उन्होंने पता लग गया कि ये MLA नॉर्थ का मतलब फोन है, फिर तो तुरंत फोन आ गया जी, तुरंत फोन आ गया। वो तो सिस्टम नु ठीक किया जा रहा है, ता ही तुहानू दस रहे हैं, ट्रांसपेरेंसी पूरी है सरकार दे भी। सुनो, साड़ी सरकार किसी नु छड़दी है तो दसो ना, अपने मंत्री नु छड़दी है ना, किसी MLA नु ना, किसी अफसर नु। 20 लाख लैण वाले दो छड़दे जी, उन्होंने ते ट्रांसफर करता जी, क्या जी Subscribe to One India channel and never miss an update.